नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, भूपेंद्र चौधरी यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष होंगे। आजमगढ़ से अचानक वो दिल्ली पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें बुलाया गया था। वेस्ट यूपी के बहुत बड़े जाट नेता हैं और वहाँ इस जाति का जो एक अनुमान है करीब करीब 25 सीटों पर पड़ेगा। इनको भाजपा अध्यक्ष बनाने की कवायद काफ़ी दिनों से चल रही थी। बैठकों का दौर जारी था और इसी में भूपेंद्र चौधरी का नाम भी सामने आता है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य के संगठन सरकार से बड़ा है के ट्वीट के बाद उनके नाम की चर्चा होने लगी थी और योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है उसमें पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी को आज दिल्ली बुलाया गया था। भूपेंद्र चौधरी आजमगढ़ मऊ का कार्यक्रम बीच में छोड़कर ही दिल्ली के लिए दिल्ली पहुंच गए, इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष के लिए उनका नाम जो मैंने आपसे बताया है ऑलमोस्ट तय है। हो सकता है जब तक आप मेरा ये वीडियो देख रहे हों तब तक उनके नाम की घोषणा कर दी जाए। बस बीजेपी की जो आला कमान है उसकी मोहर लगनी बाकी है और बीजेपी आला कमान यूपी सरकार में मंत्री भूपेंद्र चौधरी के नाम की घोषणा किसी भी समय कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी यूपी से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र चौधरी की पहचान एक जाट नेता के रूप में होती है और इस नाते उनकी पश्चिमी यूपी में जो जाट वोटर्स हैं उन पर एक मजबूत पकड़ है और किसान आंदोलन के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अनुमान से कहीं ज़्यादा सीटें मिलना कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी का ही असर है और ये उनका इनाम भी कहा जा सकता है। यूपी की सत्ता में वापसी के बाद भूपेंद्र चौधरी को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और वहीं दूसरी बार योगी सरकार में वो मंत्री बने हैं। अच्छा, उनको बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे कई सारे लॉजिक भी हम लोग सोच रहे हैं। एमएलसी भूपेंद्र चौधरी वेस्ट यूपी के मुरादाबाद से आते हैं और भूपेंद्र के बहाने भाजपा जाटलैंड में खुद को एक मजबूती चाहती है। भूपेंद्र जिस जाट समुदाय से आते हैं उसका वेस्ट की लगभग 25 सीटों पे प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अलावा 2024 का चुनाव आ ही रहा है, ऐसे में पार्टी यूपी में एक स्ट्रॉन्ग अध्यक्ष लेकर के आई है क्योंकि वो कोई रिस्क यूपी को देखते हुए नहीं लेना चाहती थी। किसी भी एक मजबूत चेहरे की उसे तलाश थी जिसको पूरा करते हैं भूपेंद्र चौधरी। और एक और बात, वो चेहरा ऐसा भी होना चाहिए जो सरकार और संगठन दोनों को पसंद आए। यही वजह है कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल करने में पार्टी को थोड़ा सा समय लगा, काफ़ी गंभीरता से इस पर सोच विचार हुआ। एक और बात, पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल करने से पहले सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम से भी बात की और 11 अगस्त को सीएम योगी ने दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद 17 अगस्त को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में पहुंचते हैं और नड्डा से मुलाकात करते हैं। अगले ही दिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नड्डा से मिलने दिल्ली पहुंचते हैं। और जो सबसे खास बात है, भूपेंद्र चौधरी की जाट बिरादरी में और वेस्ट यूपी में एक मजबूत पकड़ है और भूपेंद्र सिंह की पकड़ का ही ये नतीजा है कि यूपी में जो ये अभी चुनाव गए हैं उसमें काफ़ी अच्छे नतीजे पार्टी को देखने को मिले। किसान आंदोलन के बाद भी देखिए पार्टी को बड़ी अच्छी जीत मिली। इस जीत का श्रेय पूरा का पूरा भूपेंद्र चौधरी को जाता है और ये जो उनको प्रोफाइल मिला है ये एक तरह से उनका इनाम है। भूपेंद्र चौधरी को यूपी में दूसरी बार मंत्री बनाया गया है, इससे पहले उन्होंने
संगठन में लंबे समय तक काम किया और भूपेंद्र चौधरी 1999 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। उनमें हारने के बाद भी भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी पर पूरा भरोसा रखा। तो जो बीजेपी है वो किसी भी पर्सनैलिटी को बहुत माइक्रो लेवल तक जाकर के चेक करती है। फिर ये भी देखते हैं कि किस बंदे को, किस नेता को, किस फेस को लेके आने से उसको आने वाले चुनाव में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक ऐसा चेहरा है जो लगभग वेस्ट यूपी में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है और उनके इस प्रोफाइल में आ जाने से करीब करीब वहाँ के 25 सीटों पर उनकी जाति का असर पड़ेगा। जाति की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो भारतीय राजनीति है वो मुख्यतः इसी तरीके से चलती है। आपको दोस्तों ये कंटेंट कैसा लगा? मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे हो सकता है तब तक संगठन की मोहर लग जाए उनके नाम पे, भूपेंद्र चौधरी के नाम पे। तो आपको ये कंटेंट कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, पहली बार आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं लगेगा। इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं उसमें आपका कुछ नहीं लगेगा। अगर आप मुझे एक कमेंट टेक्स्ट करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ आपसे किसी नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।